तो कोची एक्सप्लोर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और पहले वाला एपिसोड तो आपने देखा ही होगा कि मैं गया था नेवल म्यूजियम में नेवी वालों के, और अभी मैं करने जाने उधर ही, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर इधर एक बीच है जहाँ चाइनीज़ फिशिंग होती है कि या पहले होती थी, और उतना मुझे मालूम नहीं, पर अभी वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जस्ट मैं आया हूँ, महात्मा गांधी बीच। ये महात्मा गांधी बीच कोचिन का फेमस है एक्चुअली, छोटे छोटे शिप्स। जो दिख रहे ना वो LPG गैस फॉर्मेशन है, जहाँ से LPG आप कोचिन को मिलती है, कोचिन के आधा भारत को मिल जाती है, सब इधर के लोग बोलते हैं। इतना मुझे मालूम नहीं है, पर मैं इधर के जो लोकल से उनसे मैंने जानकारी ले ली है और आपको बता रहा हूँ। तो मैं अभी गांधी बीच पे ही घूम रहा हूँ, महात्मा गांधी बीच। और इधर आगे एक्चुअली फोर्ट है, इसलिए इसको कुछ फोर्ट कोची बोलते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बड़े बड़े शिप्स दिख रहे हैं मुझे, पर थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है चाइनीज नेट। अभी मैं सोच रहा हूँ कोची जैसे जगह पे चाइनीज नेट की टेक्निक कहाँ से कैसे आई, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और हाँ, ये देखिए हमारा नेवी का शिप, और इधर आई थिंक फोर्ट है आगे, या और गंदगी है यार इधर, देखिए बहुत गंदगी है। ऐसा मत करो यार, आप घूमने आते हो ना इधर, ऐसा गंदगी मत फैलाओ सच्ची में। और नेट तो देखा होगा, पर उसमें से फिश कहाँ जाती है, तो आपको केरला है तो भाई फिश तो देखनी बनती है ना बस। तो मैं अभी फिश दिखाता हूँ आपको। हाँ, तब की फिश मिल जाएगी आपको। बस इधर के लोग हैं ना एक नंबर है, मतलब बहुत फ्रेंडली लोग हैं इधर के। तो मैं तो बोलता हूँ आप ज़रूर इधर कोचिन में आ जाइए, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, आपको मतलब हॉस्पिटलिटी बहुत मिल जाती है अच्छी से। और अभी थक गए हो थोड़ा, मैं अभी सोच रहा हूँ रात को जाओ अभी होटल, और होटल के बाद कल सुबह जो एर्नाकुलम है वो एक्सप्लोर करो। और कल की वीडियो होने वाली स्पाइस मार्केट पे, जो कि एर्नाकुलम के सबसे बहुत फेमस स्पाइस मार्केट है। और आपको तो मालूम ही होगा, तो ब्रिटिश लोग स्पाइस के नाम पे इंडिया में आए थे, तो वो देखना तो बनता है। कोचिन के जो हाउसेस है ना बहुत, मतलब डच पहले कोचिन ये डच कॉलोनी होती थी, तो इधर के जो घर है वो भी डच स्टाइल में है। और आप देख मेरे अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये ओल्ड हार्बर होटल है कोचिन का सबसे पुराना होटल, और आप देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी है ना, इधर के जो घर है ना पूरा डच स्टाइल में बनाया है। पूरी की पूरी डच कॉलोनी है इधर के जो हाउसेस है ना, बहुत पुराने जमाने के मतलब ऐसा लगता है। और लोगों को देख के मालूम पड़ता है कि हम लोग इंडियन हैं, जैसे कि लुंगी वाले में साउथ इंडियन लोगों को एक मुझे एक अच्छा लगता है, अपने पारंपरिक पोशाक में रहते हैं।
एक उनकी बहुत अच्छी है, मतलब वो सब अपने रिलीजन को परफेक्ट मेंटेन करते हैं। आया हूँ मैं काकड़ा कैफे करके है, उधर मैं आया हूँ खाना खाने, और उसके मैं लिंक नीचे दे दूँगा इस कैफे का, देखते टेस्ट कैसे रहते हैं। स्पेशल मंगाया है देखिए। तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट खाना खा के निकल चुका हूँ, और 150 पड़ा मुझे इस खाने के लिए, और टेस्ट की बात करें तो एवरेज थी, ऐसा कुछ इतना भी अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, पर हम लोग महाराष्ट्रियन है इसलिए जमा भी नहीं होगा हम लोगों को खाने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा सुमसाम इलाका, इधर बारिश हुई थी अभी जस्ट 10 मिनट पहले बारिश चालू हुई थी, इसलिए सब लोग आई थिंक सो गए होंगे। मैं अकेला इस सुमसाम इलाके में घूम रहा हूँ, और चलो देखते फोर्ट कोचिन की बात करें तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, पर कुछ जमा नहीं फोर्ट कोचिन मुझे, जैसे कि कहते ना ऐसा। हाँ पर इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली। और दूसरी बात, इधर इधर के जो घर है वो एकदम यूनिक स्टाइल में है। यही बात इधर के रहने की जगह आप अगोड़ा में, मैं सजेस्ट करूँगा अगोड़ा में आप सर्च कीजिए, बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा आपको। अभी जस्ट मुझे मैंने जो होटल ले लिया है अब जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे चार्ज किया कुछ 240 रुपीज़, बहुत चीप है। और आप रूम देखोगे ना बॉस, नेक्स्ट लेवल है सच में, नेक्स्ट लेवल। तो अभी ये वीडियो में इधर ही एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा कोची का लास्ट पार्ट, क्योंकि घर से फ़ोन आया ऑलरेडी कि अभी बस हुआ घर आ जाओ, क्योंकि मैं एक बार जब वीडियो निकालने के लिए बाहर निकलता हूँ तो 10 दिन 15 15 20 20 दिन घर नहीं जाता, क्योंकि फिर से घर जाओ, फिर से उधर से जिधर अपना जाने का है वो टिकट अलग से, घर जाने की टिकट अलग से, तो नहीं जमता यार। जो बजट ट्रैवलर है खासकर मेरे जैसे तो नहीं जमता उसके, इसलिए मैं एक बार घर से बाहर निकला कि मैं नहीं घर जाता ही नहीं। पूरा अभी जस्ट बारिश होके गई है, तो पूरा पानी पानी है इधर, एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे लोग, देख सकते फोर्ट कोची का एक है। इधर गर्मी बहुत होती है सच में। तो अभी मैं इधर वीडियो मेरे बंद कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ, तो स्टे ट्यून्ड।